हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी ड्रीम ब्यूटी। दोस्तों, मेरा थंबनेल देख के आप जान ही चुके होंगे आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ कि मुझे वीडियो बनाते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। मैं नहीं चाहती कि कभी भी ऐसी वीडियो ऐसी बातें हों कि मैं आपसे इस बारे में बात भी करूँ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ वुमेंस डे पे इसी टॉपिक से रिलेटेड, आज फिर मुझे बनानी पड़ रही है। मैं बहुत दिनों से एक्चुअली सोच रही हूँ कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बट मुझे लगा कि मुझे अब बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ब्यूटी रिलेटेड जो मैं वीडियोस बनाती हूँ आप मत कीजिए शेयर, जिसको ज़रूरत होगी वो देख लेगा। लेकिन गाइज, ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स ही एक ऐसा सॉल्यूशन बचा है जो लोगों तक पहुँच सकता है। बिकॉज आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो आप प्लीज़ इसे जितना हो सके ना शेयर कीजिए, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि इंसिडेंट क्या था। 90% लोग जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते, जो पढ़ के इग्नोर मार देते हैं कि आसिफा है कौन, किसी को पता भी नहीं है यार, कोई केयर करता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और इसे आप जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि लोग इस बारे में अवेयर हों, तभी हमारी जो गवर्नमेंट है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। हम अभी स्ट्राइक्स चालू हुई थी, भारत बंद था, तो इन चीज़ों के लिए तो हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, बट ये क्या एक छोटी सी चीज़ है, लाइक एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, आप मतलब सोच के देखिए कि कितना डर लगता है। मतलब मेरे को तो सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि कोई कैसे कर सकता है। एंड आप भी ये सोचते होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बार बार आपको आसिफा की फोटोज़ इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप देखिए, आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, आपकी बहन बेटियाँ भी हो सकती हैं। आज हिंदुओं ने मुस्लिम्स के साथ ऐसा किया, क्या वो हम लोगों के साथ नहीं कर सकते? सीरियसली आई एम अशेम्ड, लाइक हम हिंदुस्तानी होके, मीन्स डू यू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स? मुझे नहीं लगता। मैं आपको बता देती हूँ कि बात क्या है, बहुत लोग हैं जो नहीं जानते अभी भी कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। तो एक 8 साल की बच्ची आसिफा, मतलब 8 साल की सोच के ना मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। तो एक 8 साल की बच्ची जम्मू कश्मीर में खटुआ से एक लड़की है, तो 8 साल की एक बच्ची जम्मू कश्मीर की रहने वाली खटुआ से उस लड़की के साथ 3 दिन तक रेप किया गया, जस्ट बिकॉज, और ये प्री प्लान था, ऐसा नहीं सोच समझ के किया, मतलब कैसे कर सकते हैं यार, सीरियसली मुझे तो बिलीव नहीं होता। जस्ट बिकॉज हिंदुओं ने, वो मुस्लिम लड़की थी एंड उनके अगेंस्ट थे हिंदूज, तो वहाँ पे होती हैं लड़ाइयाँ, तो इसलिए किया गया। एंड उसको इंजेक्शंस दिए गए, उसके साथ 3 दिन तक रेप किया गया, उसको मींस टॉर्चर किया गया, एंड एट लास्ट उसको पत्थर से मार दिया गया। मतलब आप इमेजेस देख रहे होंगे कि उसकी लास्ट इमेज मतलब कैसी पाई गई थी। एंड बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुइज्म को सपोर्ट करने के लिए ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, श्री राम जी के नारे लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब करके भगवान के नाम पे ये सब किया जा रहा है तो राइट है। तो इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए फ्रेंड्स, इसे प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। हम सब इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, एंड वो उन लोगों के लिए हम इतनी सारी ऑडियंस हैं, तो क्यों नहीं रोक पा रहे यार। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक एक बच्चा जाने कि क्या है इसमें, क्या गलत है, क्या सही है, वो जज कर सके, एंड आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए और लोग करने से पहले डरें। हर एक को हिंदुस्तान में हमें बताना पड़ेगा इस मूवमेंट के बारे में, ताकि हमारे गवर्नमेंट जो है प्रेशराइज हो डिसीजन लेने के लिए, और जल्द से जल्द इस केस का डिसीजन आए, उन्हें पकड़ा जाए, और ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई सजा है, उनको फांसी की सजा दी जाए। और ये तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा जनता एक साथ होके इस चीज़ पे एक्शन लेगी। तो इस साथ में होने के लिए क्या ज़रूरी है, सबको मालूम होना ज़रूरी है गाइस। तो इसको, इस चीज़ को बहुत शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे लगता है किया जा सकता है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आसिफा को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आज हमने उसके साथ जस्टिस नहीं किया ना, तो कल किसी और का नंबर भी आ सकता है। इवन
कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपके घर में से भी, मैं भी, या मेरे घर में से कोई भी। तो आज इसको रोकना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बिल्कुल इस चीज़ को वायरल कर दीजिए कि ये गलत है, हमें जस्टिस चाहिए आसिफा के लिए, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर आसिफा, राइट। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस गाइज फॉर आसिफा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आई होप गाइज आप ये वीडियो शेयर करेंगे, एंड जो जस्टिस आसिफा के लिए हमें चाहिए उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो, पूरी देखने के लिए। बाय फ्रेंड्स।